मौजूद हो आप मेरे साथ थाना मलप्रा के गांव बमरौली अहिर में। किसान ने बताया है कि विद्युत विभाग के तार टूटने से किसान की करम में आग लग गई, जिसमें उसका काफ़ी नुकसान हो गया और किसान ने लेखपाल और पुलिस को सूचना दी है। वहीं किसान के सामने पशुओं के चारे का संकट है। जोब सिंह सक्सेना, आगरा। लेखपाल को फोन लगाया नहीं लगाया? पेपर में निकलवा दे, पेपर में रोजा आप ही गजू करा दे। हेलो, कहाँ चल रही है? कौन सी ये बैठी? 350 कम देगा कैसे? ये बना ये बेच रही है तो 76 है ना भाई साहब। तो का पूरा आया तू स्कूटी ले, क्या वो सही है? हैं का पूरा चल रहा है जी। गांव में पत्रकार बुला लिए मैंने। चलो बताओ, कम से कम 450 नहीं मान लो कितने गई तो जब मौत आते तो क्या कहना आते? ये तो आदमी जिंदगी बचाते बचाते ढूंढते है हॉस्पिटल में। तालाब में गिर मौत ना आई तो भाई साहब हॉस्पिटल में मत जाते आदमी। आईसीयू में लेकर क्यों जाते हो? थोड़ी सुरक्षा जरूरी है अपनी चीज की। अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि हम हेलमेट लगा करके भी जाएं, हम अपने उनसे घोटुओं से और उनसे भी वो भी नकब लगाएं। आपका नाम क्या है? जयवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बमरौली। आपका कितना खेत है? 2.5 बीघा। किस मौजा में खेत आता है? बमरौली अहिर में। क्या हो गया आपके यहाँ? कर्म में आग लग गई। कैसे लगी? ये बिजली के तार टूटने से। कितने बीघा की करब थी? 2.5 बीघा की। कितने पूरा होंगे? करीब 500 पूरी होंगे। तो आपने कहाँ कहाँ सूचना की है? लेखपाल जी के पास। और किसी जगह? और थाने सूचना करेंगे। कितने रुपए के लगभग में नुकसान हुआ है? लगभग होगा 10-12 हज़ार रुपये का। कितने बजे आग लगी थी? हाँ करीब 3 बजे करीब। क्या फायर ब्रिगेड को बताया था? नहीं। यहाँ कैसे बुझाई गई? मैं तो रिश्तेदारी में था। कैसे बुझाई गई? बुझाई नहीं किसी ने। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? फोन से बताया पड़ोसियों ने। चलिए ठीक।